हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कई लोगों की किडनी खराब हो जाती है, लेकिन इसका कारण क्या है ये हम नहीं जानते हैं, और जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं या ऐसा हम लाइफस्टाइल अपनाते हैं जिसके कारण हमारी किडनी खराब होना शुरू हो जाती है। तो वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी गलत हैबिट्स हैं या गलतियां हैं जो हम रोज करते हैं जिसके कारण हमारी किडनी खराब हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गलतियां ये नहीं कि आपने 2-4 दिन की या 1 महीने की और उसके बाद किडनी खराब हो गई। अगर यही गलतियां लगातार करते रहती हैं और 1-2 साल लगातार करते रहती हैं, तब जाकर किडनी के ऊपर असर आता है। हमारे अंदर 2 किडनी होती हैं, अगर एक खराब भी हो जाए तो भी काम चल जाता है, लेकिन अगर हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो दोनों किडनियां खराब हो सकती हैं जो आगे जाके परेशानी करेंगी। तो कौन सी गलत आदतें या गलतियां हैं वो इस प्रकार से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण है वह है सुस्ती। व्यक्ति दिन भर आराम कर सोफे पे बैठा रहता है या बेड पे सोता रहता है, किसी भी प्रकार की अपनी एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसके कारण उसके शरीर शैले पदार्थ को टॉक्सिन्स बोलते हैं वह जमा होने शुरू हो जाते हैं। इन टॉक्सिक पदार्थों का शरीर से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये शरीर के अंदर रहेंगे तो अन्य बीमारियां पैदा करेंगे, और इन टॉक्सिन्स का निकलने का जो सबसे मुख्य रास्ता है वह यूरिन होता है, और यूरिन बनाने के लिए किडनी को ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है, और अगर ब्लड के अंदर ये टॉक्सिन रहेंगे तो किडनी के ऊपर इनका प्रभाव गलत पड़ेगा। इसलिए थोड़ी बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए जिससे पसीना बाहर आए, और पसीने के अंदर काफ़ी टॉक्सिन शरीर से बाहर। तो अपनी दिनचर्या में कम से कम 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम को एक्सरसाइज जरूर करें जिससे शरीर के अंदर टॉक्सिन निकल सकें। अगला सबसे मुख्य और अहम कारण है किडनी फेलियर का, वह है डायबिटीज अर्थात शुगर। जिन लोगों की शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है उनको किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वही ब्लड जब फिल्टर होकर किडनी में वापस जाता है तो यूरिन के अंदर भी शुगर आनी शुरू हो जाती है, और जब यूरिन के अंदर शुगर आनी शुरू हो जाती है तो किडनी के ऊपर लोड बढ़ जाता है, जिसके कारण किडनी के अंदर नेफ्रन्स होती हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि किडनी फेलियर होना शुरू हो गया है। तो इसलिए आप सबको चाहिए कि जिन लोगों की शुगर अनकंट्रोल है वो अपने खाने पीने पर ध्यान देकर और दवाइयाँ खाकर अपनी शुगर कंट्रोल में करें ताकि किडनी फेलियर के चांसेस कम हो सकें। अगला जो मुख्य कारण है वह है हाई ब्लड प्रेशर। जिन लोगों का बीपी बढ़ता है उनके भी किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि जब हमारा है तो बॉडी उसको अपने आप न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, जिसके फलस्वरूप और यूरिन ज़्यादा आने से बीपी डाउन हो जाता है। अगर इतना ही ज़्यादा लोड किडनी के ऊपर पड़ेगा और अगर हमारा बीपी लगातार बढ़ता रहता है और हम उसकी परवाह नहीं करते हैं तो यह एक्स्ट्रा लोड किडनी खराब कर देगा, इसलिए बीपी बढ़ना भी किडनी फेलियर के मुख्य कारण। अगला जो मुख्य कारण है वह है मोटापा अर्थात ओबेसिटी। जब हम गलत खान पीन रखते हैं जिसके कारण हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो किडनी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, इसलिए बढ़ता हुआ मोटापा भी किडनी फेलियर का एक मुख्य कारण है, और कुछ एक आते हैं जिसको अगर हम पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जैसे कि बासी चीज़ नहीं खानी चाहिए, लिक्विड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उतनी मात्रा में पानी पिए जितना शरीर को बचता है, अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीने से भी नुकसान होता है, और दूसरी बात शराब का सेवन कर, अगर हम इन चीज़ों का परहेज रखते हैं तो हमारी किडनी बड़ी हेल्दी रहेगी और लाइफ लॉन्ग काम करेगी। तो दो तक मुख्य कारण है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।